स्पार्क ओएस का न्यू अपडेट आ चुका है हमारे पोको एक्स टू डिवाइस के लिए, और इस वाले अपडेट में आपको क्या कुछ मिलेगा, इसका परफॉर्मेंस क्या है, सबको कवर करूंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नया और पोको एक्स टू में ऐसे रेगुलर अपडेट चाहती हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सबसे पहले गाइस शुरू करते हैं इसका एवोर्ड फोन से। तो एवोर्ड फोन में देखोगी इसका जो स्पार्क वर्जन है वो आपको जो 12.6 मिल जाएगा, और ये डिवाइस तो फोनिक से जानते हो, और रिलीज डेट ऑफिशियल और से है, तो कोई मतलब अनऑफिशियल रोम नहीं है, ये ऑफिशियल रोम है। और इधर मेंटेनर का नाम भी मेंशन है, और इसका एंड्रॉयड वर्जन आपको 12 मिल जाएगा, लेकिन ये 12.1 या फिर बोल सकते हो जो एल है वो, ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। और बैक में आ गई इधर इसका जो बैटरी है वो भी आपको इधर से आपको मिल जाएगा देखने को, चिप सेट भी आपको मिल जाएगा, डिस्प्ले कितना साइज का वो भी आपको मिल जाएगा। इसका जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट है वो आपको 5 अगस्त का मिल जाएगा। कर्नल वर्सन आपको रेड क्लिप और से मिल जाएगा जो लेटेस्ट है, और बेसबैंड वर्सन आप देख सकते हो इधर से, आप स्टोरेज को भी इधर से देख सकते हो। अगर इसमें कॉपी मतलब टैप करके रखोगे तो आपको मतलब कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो देख सकते हो सिक्योरिटी में भी टैप करके रहोगे तो आप कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस तरह से। और बैक में आओगी तो इधर आपको मिल जाएगा सिस्टम, तो सिस्टम में जो जिस सर्वर है इसमें आपको कुछ एडवांस लेवल का इसमें फीचर्स मिल जाएगा, क्विक टैप जो ये हमारे अदर्स कस्टमर रोम पे है जो इस तरह से काम करता है, तो देख सकते हो। और बैक में आगी आपको क्विकली ओपन कैमरा मिल जाएगा जो कुछ इस तरह से कैमरा ओपन हो जाएगा, देख सकते हो। और बैक में आगी तो आपको मिल जाएगा सिस्टम नेविगेशन, तो इसमें आपको कुछ एडवांस लेवल का फीचर्स मिल जाएगा, जो मेरा इधर जो पील बार देख रहे हो वो थोड़ा बोल्ड बोल्ड लग रहा है, ठीक है, तो आप इसका पील रेड्यूस कर सकते हो जो बोल्ड हो जाएगा, जो देख सकते हो। इसका लेंथ को आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। और नीचे आओगी आपको एडवांस जेस्चर ऑप्शन मिल जाएगा, तो जो आपको हैंडी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। बैक में आओगी आपको मिल जाएगा हैप्टिक फीडबैक, जो हैप्टिक रखना चाहते हो कि नहीं वो मिल जाएगा। बैक जेस्चर एनिमेशन मिल जाएगा, फुल स्क्रीन जेस्चर भी आपको मतलब हाइड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जेस्चर वो हाइड कर सकते हो। बैक में आओगी इसको हैप्टिक ऑफ कर देता हूँ, बैक में आगे आपको मिल जाएगा 1 हैंडेड मोड जो इस तरह से मिल जाएगा, इधर से इसको करेगी तो 1 हैंडेड हो जाएगा, इधर से आप नोटिफिकेशन को भी मतलब एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। और बैक में आगे आपको मिल जाएगा लिप टू चेक फोन, और प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू असिस्टेंट मिल जाएगा, इधर से स्विप टू स्क्रीन शॉट मिल जाएगा, प्लेबैक कंट्रोल और डबल टैप मिल जाएगा। बैग में आगी तो आपको सेटिंग मतलब इस तरह से यूआई मिल जाएगा, ठीक है, तो पहले इसका जो मतलब हमारे जो सेटिंग्स का जो कस्टमाइजेशन है उसको दिखाऊंगा, फिर इसका जो खुद का जो बोल सकते स्पार्क को इसका कस्टमाइजेशन है वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो डिस्प्ले में जाओगी तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, जो इधर फोन साइज, डिस्प्ले साइज और इसका जो स्मॉलेस्ट विजेट है वो भी आप कर सकते हो, नाइट लाइट, लाइट डिस्प्ले, कलर्स, ऑटो रोटेट स्क्रीन और रिफ्रेश रेट, इसको मतलब इधर से एडजस्ट कर सकते हो, क्लॉक सेवर, एला विंडो लेवल प्लर, टैप टू वेक, पॉकेट डिटेक्शन, प्राइवेट रेसिडेंटल वेक अप प्लग, फुल स्क्रीन एप्स, और इधर आपको मिल जाएगा एम्बिएंट डिस्प्ले, तो कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा, ठीक है। बैक में आगी तो आपको मिल जाएगा इधर वॉलपेपर एंड स्टाइल, तो इधर में जाएगी तो इधर आपको बहुत सारे जो स्पार्क का जो ऑफिशियल वॉलपेपर है वो आपको देखने को भी आपको मिल जाएगा, जो आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, और भी कुछ वॉलपेपर है जो ऑफलाइन में ही आपको मिल जाएगा। बैक नीचे आओगी तो आपको मिल जाएगा थीम टाइकॉन, ऐप गार्ड और सिस्टम आइकॉन टैग्स आप कर सकते हो, इधर से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो जो इस तरह से, इधर ही आपको मिल जाएगा। बैक में आगे आपको मिल जाएगा ऐप्स, तो ऐप्स का कलेक्शन कुछ इस तरह से मिल जाएगा। नीचे आगे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशंस, तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन ऑप्शन। और बैक में आगे आपको मिल जाएगा इसका बैटरी, तो बैटरी का मतलब यूआई कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, तो इसका बैटरी परफॉर्मेंस कैसे है तो वीडियो के आगे बात करेंगे।
स्टोरेज में जाओगी तो इस तरह से आपको लुक मिल जाएगा। और इधर आपको मिल जाएगा साउंड एंड जो वाइब्रेशन, तो साउंड एंड वाइब्रेशन में जाओगी तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, फोन रिंगटोन वगैरह वगैरह मिल जाएगा। इधर से आप स्क्रीन लॉकिंग साउंड, स्क्रीन शॉट साउंड जो देख सकते हो, स्क्रीन लॉक साउंड कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। चार्जिंग साउंड मिल जाएगा, चार्जिंग वाइब्रेशन, टच साउंड, ऑलवेज शो आइकॉन व्हेन इन वाइब्रेट मोड कर सकते हो इधर, और ऑलवेज शो आइकॉन, और ऑलवेज शो आइकॉन व्हेन देयर आर पेंडिंग अलार्म्स, टच वाइब्रेशन, पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल, शो वॉल्यूम पैनल लेफ्ट कर सकते हो, नोटिफिकेशन साउंड इफ एक्टिव, वॉल्यूम स्टेप सब रखना मतलब रख सकते हो, कीबोर्ड कंसोल कंट्रोल, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग, वाइब्रेट ऑन डिसकनेक्ट, मे साउंड इनहांसर भी आपको इधर से मिल जाएगा, जो साउंड म्यूजिक वगैरह में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नीचे आओगी आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आपको जो फेस लॉक एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक भी मिल जाएगा, इधर से आप ऐप लॉक भी मतलब अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ऐप को, एक एप्लीकेशन को मैं लॉक करके दिखा रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, तो देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। क्या फिंगरप्रिंट दिया, ऑन हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो फिंगरप्रिंट स्पीड है तो देख सकते हो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें फेस लॉक, तो ऑन किया, देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, ऑन किया तो देख सकते हो परफेक्टली बोल सकते हो। और बैक में आगे आपको मिल जाएगा लोकेशन, जो कुछ इस तरह से है, और प्राइवेसी जो जिस तरह आपको मिल जाएगा, प्राइवेसी डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा इधर, परमिशन मैनेजर भी आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस एनेबल डिसेबल कर सकते हो, ऐसे एड्स ब्लॉक कर सकते हो कुछ इस तरह से। और नीचे आ गई तो ये तो अगर जो कस्टम रूम है उस तरह से आपको मिल जाएगा। तो वैसे ये था हमारे जो सेटिंग्स का जो बोल सकते हो फीचर्स एंड कस्टमाइजेशन, ठीक है। अब चलो इसका जो खुद का जो कस्टमाइजेशन है उसमें, ठीक है। तो इधर आपको मिल जाएगा फायरवॉक्स, यहाँ पर आप टैप करोगे तो सबसे पहले मिल जाएगा आपको थीम्स, थीम्स में क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा मॉनेट इंजिन, तो इधर आपको परफेक्टली जो मॉनेट थीमिंग इंजिन का सपोर्ट है वो मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉलपेपर के हिसाब से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप कस्टम कलर भी अप्लाई कर सकते हो। इधर मिल जाएगा नीचे फॉन्ट, तो बहुत सारे फॉन्ट है जो आपको पसंद है वो आप अप्लाई कर सकते हो। बैक में आगे आपको मिल जाएगा आइकॉन पैक, तो आइकॉन पैक आपको कौन से वाला पसंद है जो इधर अप्लाई हो जाएगा वो आप अप्लाई कर सकते हो। बैक में आगे आपको मिल जाएगा जो सिग्नल आइकॉन पैक स्टाइल, जो मैं अप्लाई करके रखा हूँ, तो बहुत सारे जो आपको पसंद है वो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैक में आगे आपको मिल जाएगा वाईफाई आइकॉन स्टाइल, तो इधर से कुछ मतलब आइकॉन पैक है जो आप वाईफाई में अप्लाई कर सकते हो। नीचे आपको मिल जाएगा जो इसका आइकॉन शेप है, ठीक है, तो इधर से आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो आसानी से। नेबर स्टाइल भी आप देख सकते हो, कुछ बहुत सारे हैं जो आपको पसंद है यूज़ कर सकते हो। नीचे आओगे इधर है सेटिंग्स यूआई इंटरफेस, तो सेटिंग का यूआई इंटरफेस जो है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, जो मेरा सेटिंग का लुक कुछ इस तरह से है तो देख सकते हो, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जाना होगा, जाने के बाद आपको यहाँ पर देखो मेरा ऑक्सीजन वेस्ट 12 है, मैं अगर स्पार्क क्लीन कर दूँ तो थोड़ा सेटिंग रिस्टार्ट हो, उसके बाद कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, तो आसानी से इसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आगे आपको मिलेगा सब मेन हेडर, मेन मेनू हेडर, यूज़र कार्ड, और नीचे आपको मिल जाएगा आर्ट और मीडिया बैकग्राउंड, जो मैं दिखा देता हूँ किस तरह से काम करते हैं। जो कुछ इस तरह से मतलब काम करते हैं, अगर इसको ऑन कर देंगे तो इसका बैकग्राउंड का कलर गायब हो जाएगा, एक कर देंगे तो ऑन हो जाएगा, तो यही परफेक्टली रखते रहिए, तो इसको यूज़ कर लेना। नीचे आगे तो आपको मिल जाएगा जो हाइट टाइल टाइटल, जो इसका नेम है, तो ये आप मतलब हाइट कर सकते हो, जो मतलब मिनिमल लगता है देखने में, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से है। और नीचे आगे तो आपको मिल जाएगा वर्टिकल लेआउट, तो इसको कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, तो देख सकते हो। नीचे आओगी तो आपको मिल जाएगा टाइल्स कॉलम्स ऑन पोर्ट्रेट, कितना कॉलम्स मतलब इधर आप रखना चाहते हो टॉगल, जो 4 कर दोगे तो आप 4 ऐड हो जाएगा, जो कुछ इस तरह से। नीचे आप लैंडस्केप में कितना रखना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा, और जो ब्राइटनेस स्लाइडर पोजीशन है वो आप ऊपर या नीचे रखना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा।
इधर से आप जो शो ब्राइटनेस स्लाइडर इन QS जो है उसको आप मतलब ऑन ऑफ कर सकते हो, और ऑन कर देते तो इधर से आपको शो हो जाएगा जो कुछ इस तरह से देख सकते हो। नीचे आगी तो आपको मिल जाएगी ट्रांसपेरेंसी, तो आप इधर इसका जो ट्रांसपेरेंटी मतलब कर सकते हो जो कुछ इस तरह से लुक देगा, जो ब्लर हो जाएगा तो आपको जितना पसंद है वो आप कर सकते हो। इधर से आप नाम कुछ रख दोगे तो आपको इधर शो हो जाएगा जो देख सकते हो, इस बार जो यूनिक बना देगा आपके फ़ोन को। नीचे आगे तो आपको मिल जाएगा कीस्पोर्ट वार्निंग्स, यूज़र अकाउंट आइकॉन, एडिट आइकॉन मतलब एडिट टाइल्स आइकॉन, पावर मेनू शॉर्टकट, रनिंग सर्विस शॉर्टकट, सेटिंग शॉर्टकट और डेटा यूजेस, और जो वाइब्रेशन और टच जो आप टच करेंगे तो वाइब्रेशन हो जाएगा। नीचे आपको मिल जाएगा जो देख सकते हो एनिमेशन स्टाइल, जो मेरे इसमें एनिमेशन दिखा रहे तो शायद देख सकते हो कुछ इस तरह से, इसका जो एनिमेशन ड्यूरेशन वो भी आप कर सकते हो, टेल्स एनिमेशन इनपुलेटर भी आप कर सकते हो। नीचे आपको मिल जाएगा जो बटन, जो कोई मतलब आएगा कोई नोटिफिकेशन उसका बटन चेंज वगैरह कर सकते हो, जो क्लियर का बटन बोल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बटन से जो आपको पसंद है वो ऐड कर लेना। बैक में आओगी तो आपको मिल जाएगा लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन में जाओगी तो आपको बहुत सारे जो लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन है बोल सकते हो आपको मिल जाएगा, जो कुछ इस तरह से जो देख सकते हो। और इसका अगर स्पार्क कर दूँ तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, तो बहुत सारे ऐप जो आपको पसंद है आप कर सकते हो, इनवेल और वेबर जूम कर सकते हो, रिबूट आफ्टर ट्रॉलिंग, ठीक है। और इससे देखो शो चार्जिंग इनफो इन लॉक स्क्रीन कर सकते हो, चार्जिंग एनिमेशन रख सकते हो, क्यूज पुल डाउन आप लेफ्ट कर सकते हो, और इधर से आपको सिक्योर क्यू स्टाइल स्पीकर अनलॉकिंग मिल जाएगा, हाइड क्यू सीन सिक्योर लॉक लॉक स्क्रीन, और इधर आपको रेफल इफेक्ट्स मिल जाएगा जो एनिमेशन है, फिंगरप्रिंट ऑथोराइजेशन मतलब वाइब्रेशन होगा कि नहीं फिंगरप्रिंट देने के बाद, या फिर जो इरर जो है अगर किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मैच कर रहे उसमें आप वाइब्रेशन रखना चाहते हो कि नहीं, मीडिया कवर आउट कर सकते हो, जैसे आप पल्स सेट कर सकते हो, कोई म्यूजिक वगैरह ओपन करने के बाद जो इस तरह से आप कर सकते हो, जो इस तरह से आपको मिल जाएगा देख सकते हो। तो बहुत कुछ फीचर्स है जो आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बैक में आगी तो आपको मिल जाएगा स्टेटस बार, तो स्टेटस बार में जाओगी तो आपको मिल जाएगा स्टेटस बार आइटम्स, जो कौन कौन आइटम्स आप रखना चाहते हो वो आप मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, ट्रैफिक इंडिकेटर्स मिल जाएगा जो आपको आसानी से मतलब काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो कितना मतलब परसेंट जा रहा है आपका डेटा, वो आपको इधर से देखने को मिल जाएगा, जो इनेबल डिसेबल कर सकते हो। क्लॉक एंड डेट में जाओगी तो आपको क्लॉक मिल जाएगा सबसे पहले, अगर इसको ऑफ कर दूंगी क्लॉक तो इधर से इसका जो क्लॉक है वो आपको हाइड हो जाएगा, डेट कर देंगे तो इसका जो डेट है वो हाइड हो जाएगा, जो कुछ इस तरह से। नीचे आगे तो लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं वाला जो देख सकते हो, इसका जो बैकग्राउंड चिप है वो आप मतलब हाइड कर सकते हो, जो कुछ इस तरह से जो देख सकते हो हाइड कर देने से गायब हो रहा है। स्टेटस क्लॉक साइज आप छोटा या बड़ा कर सकते हो, और क्यू सीरियल क्लॉक फोन साइज आप छोटा या वाला छोटा या बड़ा कर सकते हो, क्लॉक मतलब सेकंड्स आप ऐड कर सकते हो, AM PM ऐड कर सकते हो, डेट स्मॉल कर सकते हो, डेट पोजीशन रख सकते हो, और नीचे आपको डेट स्टाइल मिल जाएगा, और जो डेट फॉर्मेट है वो भी आपको मिल जाएगा। तो यही था क्लॉक्स एंड डेट का मतलब कस्टमाइजेशन। बैक में आओगी तो आपको इधर मिल जाएगा बैटरी बार, तो बैटरी बार में जाएगी अप्लाई कर देगी तो नीचे आपको एक बार शो हो जाएगा जितना परसेंट चार्ज है, शायद नोटिस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप देख लेना। बैक में आगे आपको मिल जाएगा लोगो, तो बहुत सारे कुछ लोगो है जो इस तरह से जो अभी आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हो, और इसको आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, लेफ्ट राइट यूज़ करने भी कर सकते हो, जो कुछ इस तरह से जिसमें बहुत सारे मिल जाएगा, जो भी आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हो। बैक में आगे तो आपको मिल जाएगा कलर आइकॉन, नीचे आपको जो शो नोटिफिकेशन काउंट है वो भी मिल जाएगा, लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर मिल जाएगा, माइक एंड कैमरा प्राइवेसी इंडिकेटर, यूज होल्ड स्टाइल मोबाइल डेटा आइकॉन्स मिल जाएगा, सो वाईफाई स्टैंडर्ड आइकॉन, डेटा डिसेबल इंडिकेटर, और 4G आइकॉन को मतलब कट करके आप LTE कर सकते हो, रोमिंग इंडिकेटर मिल जाएगा, कॉम्बाइंड सिंगुलर आइकॉन। नीचे आओगी आपको मिल जाएगा पोल्टी आइकॉन, तो पोल्टी आइकॉन आप चेंज कर सकते हो, जो कुछ इस तरह से इधर देख सकते हो, पोल्टी आइकॉन आप चेंज कर सकते हो, तो जो आपको पसंद हो आप रख सकते हो, वाईफाई आइकॉन भी चेंज कर सकते हो, और ओवरराइड भी कर सकते हो वोल्टी आइकॉन, और जो लेफ्ट पैडिंग इसको अगर कर देंगे जो आपका जो स्टेटस बार का जो आइकॉन है वो इधर उधर थोड़ा हो जाएगा,
एयर कर दिए तो देख सकते हो लेफ्ट राइट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। नीचे आगे आपको मिल जाएगा बैटरी स्टाइल, तो बैटरी स्टाइल किस तरह से रखना चाहते हो आप रख सकते हो। इसका पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो और एक कलरफुल रख सकते हो, जो मैं किया हूँ, जो देख सकते हो कलरिंग दिखा रहा है, ऑन कर दो तो कलरिंग हो जाएगा। और बैटरी परसेंटेज से चार्जिंग, जो चार्जिंग में रख सकते हो कितना बैटरी चार्ज हुआ है। और यूज़ पैनल का जो बैटरी आइकॉन है उसको भी चेंज कर सकते हो, जो आप इधर से कर सकते हो, देख सकते हो बैटरी परसेंट भी रख सकते हो और इस टाइमर भी रख सकते हो कितना टाइम चलेगा, जो वगैरह कुछ रख सकते हो। बैक में आगे आपको मिल जाएगा जेस्चर, तो जिस जेस्चर में जाओगे आपको मिल जाएगा ये सिस्टम जेस्चर। फिर आपको ब्राइटनेस कंट्रोल्स मिल जाएगा, टॉगल टॉर्च हो, इन स्क्रीन ऑफ, फ्रेम रॉकर हो, एक क्लिक टू पार्सल स्क्रीनशॉट रख सकते हो, टैप ऑन मतलब लॉक स्क्रीन, टैप ऑन स्टेटस बार, टैप टू ओपन डोर, इस तरह से रखना चाहते हो तो रख सकते हो। इधर आपको मिल जाएगा मिस कलनियस, तो यहाँ पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा सबसे पहले जो नोटिफिकेशन लाइट है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन लाइट कौन से एल्यूशन में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बैटरी लाइट रख सकते हो। इधर आपको मिल जाएगा स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, जो कुछ इस तरह से स्क्रीन ऑफ मतलब एनिमेशन रख सकते हो इस तरह से। नीचे आगे तो आपको एमएटएच लाइट मिल जाएगा, ट्रिगर मिल जाएगा, री ट्रिगर मिल जाएगा और नोटिफिकेशन हेडर्स मिल जाएगा, किल ऐप बटन और ट्विस्ट ऐप आइकॉन और स्क्रीन शॉट टाइम। और नीचे आगे तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा और एक मतलब काम का फीचर से जो आपको गेम्स के इधर से आप देख सकते हो। और इधर आपको स्मार्ट पिक्सल्स मिल जाएगा, इधर आप इसका जो ऐप्स है वो उसको भी आप हिडन कर सकते हो कहीं पर भी, मतलब किसी एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हो। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो इधर देख सकते हो क्रोम ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये होम स्क्रीन पे रहेगा आपके इधर, तो इधर से आपको शो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इधर से इसका जो आइकॉन बोल सकते हो ऐप है वो हाइड होगा। बैक में आगे आपको मिल जाएगा पावर मेनू, तो पावर मेनू में आप कौन से बटन्स रखना चाहते हो तो उसको भी आप रख सकते हो, तो कुछ इस तरह से मैं देख सकते हो। गाइस बात करें इसका होम स्क्रीन के सेटिंग्स पे, तो आपको इधर जो स्पार्क लॉन्चर है वही आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इधर आइकॉन पैक में आप कुछ इस तरह से मिल जाएगा और आप डाउनलोड करके भी आइकॉन ऐड कर सकते हो, ठीक है, प्ले स्टोर से। नोटिफिकेशन डॉट मिल जाएगा, आइकॉन साइज और इधर फॉन्ट साइज और मैक्स लेंथ फॉर ऐप लेवल कर सकते हो। होम स्क्रीन पे जाओगी तो आपको कुछ इस तरह से जो सेटिंग्स है वो मिल जाएगा, जो कुछ फीचर्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो। बैक में आगे आपको मिल जाए ऐप ड्रॉयर, तो इधर भी आपको कुछ कस्टमाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है, तो आप कर लेना। और इसमें में जाओगी तो आपको मेमोरी इन्फो, कार्ड स्टाइल, बैकग्राउंड ओपेसिटी और जो स्क्रीनशॉट क्लियर और जो इस तरह से आपको मिल जाएगा, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आप रख सकते हो। जो मेमोरी इन्फो है वो आपको इधर से होगा, अगर ऑन कर दोगी तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको ऊपर से हो जाएगा। और गार्ड स्टाइल कर दोगे तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, बैकग्राउंड ओपेसिटी कर सकते हो, क्लियर ऑल बटन इधर से आप रख सकते हो, जो कुछ इस तरह से मिल जाएगा आपको। बैक में आओगे तो इधर आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, तो देख सकते हो, तो आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो। और इसका जो मतलब बोल सकते हो एंड्रॉयड 12 वाला जो क्लॉक विजेट है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको जो नॉर्मली गूगल कैमरा बोल सकते हो जी कैम, वो आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली फ़ोटो खींच सकते हो जी कैम से, तो जिस तरह से आपको मिल जाएगा जो छोटे मोटे फीचर से जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप रूट करके जो एनएक्स कैमरा है उसको डाल सकते हो। तो यही था गाइस हमारे जो स्पार्क वैसे उसका कस्टमाइजेशन, ठीक है। आप चलो रोम के जो परफॉर्मेंस है वो कैसे, तो सबसे पहले गाइस आप इसका जो स्मूथनेस देख लो रोम की, तो परफेक्टली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लैग कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, जो परफेक्टली मिल जाएगा। इसका क्यूज पैनल भी आपको मतलब एक यूनिक लुक दे सकते हो इसमें, जो से गाइस इसका अदर्स परफॉर्मेंस की तो आप देख सकते हो। इसमें बात करें इसका जो DRM इनपुट है उसमें आप देख सकते हो वाई बैंड जो L1 सपोर्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो मतलब सेफ्टी नेट वगैरह है वो आपको बाय डिफॉल्ट पास मिल जाएगा, तो कोई बैंकिंग ऐप्स मतलब यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। बात करें इसका जो बैटरी, तो आप देख सकते हो 25 मिनट पे आपको 36% चार्ज करके देगा, तो फास्ट बोल सकते हो, लेकिन 80 के बाद आपको थोड़ा स्लो चार्ज होगा, तो देख सकते हो 36 मिनट में ये
14 मतलब परसेंट चार्ज हुआ है, ठीक है, जो कुछ इस तरह से फास्ट फास्ट आपको मतलब फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा, लेकिन 86 के बाद जो चार्जिंग है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, जो अदर जो कास्टो रोम है उसमें भी और हमारे जो स्टॉक रोम है उसमें भी दिक्कत है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मैनेज कर सकते हो इसमें। और बात करें इसका बेंचमार्क रिजल्ट, जो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, जो सही बोल सकते हो। और इसका जब टेस्ट कर रहा था तो 4% का बैटरी ड्रेन मिला था, और इसका जो मल्टी टच है वो भी परफेक्टली है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो गीकबेंच स्कोर है वो आप देख सकते हो, मल्टी और सिंगल जो सही बोल सकते हो। और बात करें इसका सीपीयू थ्रोटल, तो आपको 91 के पास मिल जाएगा, और इसका एवरेज 154, और इसका जो बोल सकते हो GPS 132 मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फ़ोन चार्ज करके रख देंगे तो आपको देख सकते हो 5 अपडे ऑफ हो जाती है, आपको 5% का बैटरी ड्रॉप मिल जाएगा अगर आप चार्ज करके रख देंगे, ठीक है। और स्क्रीन ऑन टाइम देख सकते हो 3 आवर्स हो चुके हैं, और इसमें 56% है उसका बैटरी ड्रेन हुआ है, ठीक है। और एक्टिव ड्रेन देख सकते हो 1.47 पर आवर्स, तो आप देख सकते हो। तो गाइस यही था हमारे जो स्पार्क OS है उसका रिव्यू, ठीक है। बात करें इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, तो चलो इसका एडवांस रिकवरी, तो रिकवरी में जाने के बाद गाइस आपको इसका जो लेटेस्ट वाला मतलब बोल सकते हो FW है उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, उसको मतलब फ्लैश करके आपको रोम को फ्लैश करना पड़ेगा। इसमें इसको पी रिकवरी से मतलब फ्लैश किया, ठीक है, आप चाहो तो जो लेटेस्ट वाला जो TWRP है उससे भी आप इसको फ्लैश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसको जो FW है वो लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, उसको फ्लैश करके आपको रोम को फ्लैश कर देना है। और कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और मुझे प्रॉब्लम शेयर करो, ठीक है, मैं प्रॉब्लम मतलब सोल्यूशन निकाल दूंगा। सो यही था गाइस स्पार्क OS का रिव्यू, ठीक है। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो और पोको X2 में ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।